गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ एडिटिंग टास्क। आज हम इस सेशन में सेंटेंसेस में से एरर को कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। आइए अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में किस किस टाइप की एरर्स होती हैं जिन्हें हमने करेक्ट करना होता है। नाउ लेट अस डिस्कस एडिटिंग। एडिटिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं वो वर्ब की मिस्टेक हो सकती है, टेंस की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटेंस में टेंस को चेक करना है कि अगर टेंस की मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना है, अगर टेंस करेक्ट है तो वर्ब को चेक करना है, राइट। अगर ये दोनों ठीक है तो उसके बाद हम चेक करेंगे आर्टिकल्स की मिस्टेक, कि अगर टेंस और वर्ब करेक्ट है तो आर्टिकल्स को चेक करेंगे कि कहीं आर्टिकल्स की मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद थर्डली प्रेपोजिशन, और फिर अगर प्रेपोजिशन भी ठीक है तो फिर कंजंक्शन, राइट। टिप्स फॉर एरर करेक्शन, इन सभी को देखने के बाद अब कुछ टिप्स हैं जो हम हमें एडिटिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। रूल नंबर 1, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में हमारे पास टू गिवन है तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन एग्जाम्पल में लगा हुआ है आई एम गोइंग टू बॉट अ कार, लेकिन ये क्रॉस है, लगना क्या चाहिए था, बाय, राइट। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहते हैं कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, इट मीन्स यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए क्योंकि रूल में बोला गया है कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और जिस सेंटेंस में वाइल गिवन है उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ आईएनजी लगेगा, मतलब यहाँ पर वॉचिंग आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है। अब जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, जब सेंटेंस वर्ब की पैसिव वॉइस में होता है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। एग्जाम्पल में आई वॉज राइटिंग द लेटर, अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, राइटिंग। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हमारे पास पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, बाय लगा हुआ है, बाय जिस सेंटेंस में बाय लगा होता है उसके पीछे जो वर्ब है वो ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, रिटर्न, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल नंबर 5, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में यूज़ होता है ए एंड द, अब ए जो यूज़ होता है वो होता है कॉन्सोनेंट के लिए, एन यूज़ होता है वाउल्स के लिए, और द यूज़ होता है स्पेशल थिंग्स के लिए। एग्जांपल आई सॉ अ बॉय, अब एक बॉय को देखा, कॉमन लड़के को देखा, तो उसके लिए अ बॉय जो है वो करेक्ट है, कॉमन लड़के को देखा हमने तो उसके लिए अ जो है वो करेक्ट है। अब बॉय वॉज, अ बॉय वॉज ईटिंग एन एप्पल, अब एक लड़के को देखा, कॉमन लड़के को देखा, अ बॉय वॉज ईटिंग एन एप्पल, अब उस लड़के को देखा जो एप्पल खा रहा था, इट मीन्स वो अब एक स्पेशल लड़का बन गया है, पर्टिकुलर है, स्पेशल है, तो उसके साथ हमने क्या लगा देना है, द, अब यहाँ पर क्या लगना चाहिए, द, अ की जगह क्या आना चाहिए, द। अब हमने अ का यूज़ देखा, द का यूज़ देखा, अब एन का यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़ ऑफ वाउल्स, ए ई आई ओ यू, इसके जो वर्ड्स की स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होती है तो उनके साथ हमने एन का यूज़ करना है। और उसके अलावा अगर सेंटेंस में कोई एब्रिविएशन आती है लाइक एम ए एस डी ओ एम एल ए तो उनके साथ भी हमने एन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल माई मदर इज़ डैश एम ए इन इंग्लिश, इट मीन्स यहाँ पर एब्रिविएशंस का यूज़ हुआ हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। नेक्स्ट रूल नंबर 6, अगर हमारा कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट से शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म होना चाहिए। रूल नंबर 6 कहता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो अगर
पास्ट से शुरू हो रहा है तो उसका एंड भी पास्ट में ही होगा. एग्जाम्पल, शी प्लेड द पियानो. इट मीन्स पास्ट में शुरू हुआ, प्लेड द पियानो व्हेन शी इज़ अ चाइल्ड. लेकिन रूल कह रहा है कि पास्ट से शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म होएगा, लेकिन यहाँ पर तो पास्ट नहीं है, इज़ लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये वाला इज़ जो है वो गलत है. यहाँ क्या आना चाहिए? वॉज. राइट. नेक्स्ट, पास्ट का ही एक रूल है, अगर डिड लगा हुआ हो तो उसके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में डिड लगा हुआ है, आई डिड नॉट वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ पर वेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि रूल कह रहा है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? गो. राइट. आई होप कि आपको ये वाले 6 रूल्स जो है वो समझ आ गए होंगे. इसके बाद वाले जो रूल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे. थैंक यू सो मच.